हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है आपके सिलेबस, आपके ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना ही सिलेबस में। इसके अलावा आपके सिलेबस या बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, वो इक्वेशन में बहुत सारे तरीके हैं करने में। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ हो। इक्वेशन से आपकी बात, तो ऐसी इक्वेशन से इक्वेशन डी बाई डी एक्स का यूज़ हो रहा है, इसमें क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमारे जो काम का है किसी ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जो डी बाई डी एक्स यूज हो रहा है बाई डी एक्स को, एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं डी टू बाई डी एक्स, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब डिफरेंश। तो ये जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव उसको हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, हम हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, हाईएस्ट सर इंग्लिश में बोल रहा हूँ में याद नहीं रह पाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव ये समझो कि ये जो डिफरेंशिएशन है इसके हाईएस्ट जो पावर है वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्डर कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। दूसरी चीज़ आप लोगों से पूछेगा एक नंबर में, वो पूछेगा डिग्री बताओ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डिग्री बताओ। वो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी क्या कहलाएगी, ऑर्डर। ये हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव मत लिखो इसको, इसको ऐसे समझो हाईएस्ट डेरिवेटिव समझो। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये लिखा हुआ डी बाय टी टू लिख दी, डी टू बाय डी एक्स है, तो जो हाईएस्ट आपका ऑर्डर है, जो आपका ऑर्डर है उसकी जो पावर कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी ऑर्डर की पावर। पहले ऑर्डर पहचान लोगे ना तो उसकी पावर जो होगी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा, उस ऑर्डर की पावर क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो इसकी पावर 3 है, तो ये डिग्री हो गई, और ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। सर ये क्वेश्चंस देखोगे ना तो समझ, एक क्वेश्चन दे रखा ही होना तो थोड़ा सा एक कोशिश देखो ना, समझो इस एग्जांपल से समझो ये क्या कह रहा है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें डी बाई डी एक्स यूज हो रहा है। अब पूछा है इसका आप निकालो, क्या निकालोगे भाई, डिग्री और ऑर्डर निकालो, डिग्री और ऑर्डर निकालो थोड़ा। अब इसका डिग्री और ऑर्डर फाइंड करके बताओ। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा है 4, तो इसका 4 देखते ही आप इसका ऑर्डर लिख दोगे 4, इतना ही आसान है। क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है, 4 की पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी। एक चीज आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जैसे 4 है, इसकी जो पावर होगी वो रूट में हो, तो उसको सिंपलीफाई करना है, हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा तभी वो डिग्री मान। कभी भी डिग्री जो होती है रेशनल नंबर्स नहीं, रूट साइन वगैरह ऐसे नंबर्स कभी भी डिग्री, डिग्री नेवर भी रेशनल, रेशनल नंबर नहीं होगी, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा नंबर। और कोशिश ये करेंगे कांस्टेंट सारे इधर आ जावे, इधर कोई भी एक्स का टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से हमें डिग्री निकालनी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखूं मैं, हाँ जो क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की वो क्या मांग रहा है आपसे, ऑर्डर और डिग्री मांग, इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री मांग रहा है। तो ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेन एक्स को इधर लाना पड़ेगा, तो जब सिंप्लीफाई करने जाऊंगा मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले डी टू वाई अपो स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहला काम ये करना है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या दिख रही है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर दिख रही है 1, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी। इसी तरह यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स फोर को सबसे पहले इधर लाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा। ऐसा न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा,
मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन रिमूव करने के लिए इन सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। तो डिफरेंशिएट ये इसे लिखोगे, डिफरेंशिएट दोनों तरफ क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डी टू था तो डी थ्री हो जाएगा, डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यू प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या होता है तो वाई स्क्वायर डी वाई रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का इधर ले फोर एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है तो ऑर्डर तो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा देखो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है तीन, तो ऑर्डर हो गया आपके पास तीन, डिग्री क्या हो जाएगी डिग्री तीन की पावर क्या है दो, तो मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ते हैं।